उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में यहाँ पर जैन कचौरी और समोसे और आलू वड़ा है। यहाँ का जो जायका है वो अपने आप में एक अनोखा है, और क्योंकि जिस तरीके से स्वाद के साथ में जो जायका यहाँ के लोग जो खाते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जायका का स्वाद लेने के लिए लोग आते हैं और ये उज्जैन वासी जो है यहाँ पर आकर जायके का स्वाद लेते हैं। इस बीच जो है हम चुनावी जायके पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है। तो भैया, जिस तरीके से आप जो यहाँ की जो कचौरी है, कचौरी का स्वाद तो ले रहे हैं, है ना, इसी के साथ चुनावी माहौल भी चल रहा है क्या? चुनावी माहौल भैया, इस बार कांग्रेस ने महेश जी परमार को उतारा है, उससे कांटे की टक्कर हो गई है। अगर महेश जी नहीं रहते तो बीजेपी आसानी से जीत जाती। अनिल फिरोजा जी ने भी ऐसा अच्छा काम करा है पिछले वर्ष भी सांसद कार्यालय में, बीजेपी के चांस ज्यादा है। आप बताइए, आप जो है यहाँ पे कचौरी का स्वाद दे रहे हैं, जो जायका है उज्जैन का अपने आप में एक अनोखा है, किस तरीके से आप चुनावी माहौल है उसका जायका क्या है? बीजेपी आएगी क्या? बेसिक मुद्दे रहेगी, बढ़िया काम कर रही है, और क्या, बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, सारे मुद्दे हैं। धारा 370 है, रामन को राम मंदिर है, बहुत सारे मुद्दे। भाजपा ने अच्छा काम किया, चारों ओर कनेक्टिविटी है पूरे उज्जैन शहर में, महाकाल लोग हैं, पूरे देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं। बढ़िया, भाजपा ने काफी डेवलपमेंट किया यहाँ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाजपा जीते ही। तो देखिए, जिस तरीके से जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी जो लोग का जो है मिला जुला मत मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग हैं, जैसे कई लोग जो यहाँ पर जो जायका लेना है, जैसे जायका जायका भैया, जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, एक उज्जैन का अलग ही जायका है, और चाय हो या फिर खाने पीने की सामग्री हो, उसको एक बात जो है चुनावी जायका क्या कहता है जी? इस बार उज्जैन का माहौल तो लोकसभा का जो भी है, अनिल फिरोजा जी के पक्ष में निश्चित तौर पर अनिल फिरोजा जी को वोट देंगे उज्जैन के लोग, और निश्चित तौर पर उनको बहुमत से जिताया जाएगा, 5 लाख पार वोटों से जीतेंगे इस बार। उनका जो विकास किया उन्होंने उज्जैन में, जैसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पर रेलवे स्टेशन को बनाना, रोप वे का कार्यक्रम चालू हो चुका है, ऐसे बहुत सी सौगातें जो केंद्र की सौगातें उज्जैन में लाकर दिए हमारे अनिल फिरोजा जी ने, निश्चित तौर पर उनको ही वोट देंगे और उनके ही जीता है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, तो क्या बेसिक मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे आप? देखिए, जो राष्ट्रहित और राष्ट्रप्रथम की बात करेगा हम तो उसको वोट, और हाल फिलहाल में देखा जाए आज के युग में तो राष्ट्रहित राष्ट्रप्रथम की बात कौन कर रहा है, वो एक ही सरकार कर रही है। बाकी दूसरी सरकारें जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके भारत की जो आप कह सकते हो जो नीतियाँ हैं उनका खंडन करती हैं। ठीक है, विदेशों में भारत का जो दबदबा आज की तारीख में जो बना हुआ है कि दूसरे देश भी बोल रहे हैं कि भारत बीच में आएगा तो युद्ध रुक सकता है, तो भारत किस लेवल पर काम कर रहा है आज आप देखिए। ठीक है, उन्होंने भी काम किया ऐसा नहीं है, मगर जो अभी काम हुआ है 15 साल में वो मुझे लगता है शायद पहले हो जाना चाहिए था, परंतु जिस सरकार ने ये काम किया है, उज्जैन का जो विकास जिस स्तर पे हो रहा है, जैसे कि हाईवे वगैरह देखेंगे आप, महाकाल लोक हो गया, इससे रोजगार मिला है, यूनिटी मॉल आ रहा है, तो हम तो जिन लोगों ने विकास करा है, विकास पुरुष जो हमारे लिए, हम उनको वोट देंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जो है आप अपना मत करेंगे? जब राष्ट्र की बात आती है तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि राष्ट्र के सामने छोटे होते हैं, कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जब राष्ट्र होता है तो सब छोटे होते हैं। अब बात आती है कि विकास की, तो विकास पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा, लेकिन जब बात आती है सनातन धर्म की, तो जब मोदी जी के आने के बाद जो सनातन धर्म बढ़ा है और हिंदू धर्म अभी और देश विदेश में हमारा जो प्रचलन में हुआ, जो हमारे उज्जैन के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से टूरिस्ट बढ़े हैं, तो ये अभी हुआ है, तो आने वाले समय में भी ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी हिंदू है और जो भी सनातनी लोग है वो भी अपने को भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे इस आने वाले चुनाव में। तो देखिए, जिस तरीके से जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो विकास पुरुष है उनकी बात की जा रही है, और जिस तरीके से और भी नौजवान हैं जिनको आप वोट करने जाएंगे, तो आप बताइए, जो जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, एक तरफ जो है लाखों रुपये देने की बात की जा रही है कि 1 लाख रुपये नौजवानों को दिए जाएंगे, तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो हमारे लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे राम मंदिर का निर्माण, महाकाल लोक का निर्माण उज्जैन में, काफ़ी रोजगार मिला है, और हम उनको ही लाएंगे जो राम को लाए, हम अनिल फिरोजिया को ही वोट देंगे अब की बार 5 लाख पार। आप बताइए भैया, लोकसभा चुनाव में किन विकास कार्यों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर आपका वोट होगा? जैसे कि अभी मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है
उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को लेके बात कही है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना बड़ा है। और फिर दूसरी बात देखा जाए तो आप हाईवे देखिए, आज आप हाईवे पे चलेंगे तो अगर मैं बेसिकली मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो अगर आप देखोगे तो अगर आपको भानपुरा से अगर आपको मंदसौर जाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में आप पहुँच पाओगे। तो आप देखिए हाईवे कितने शानदार बनाए हुए, चाहे सड़क की हो या फिर रोजगार की हो या फिर वैसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है जनता का मत है। और जनता का यही कहना है कि जो विकास पुरुष है उस विकास पुरुष के ही साथ हमारा मत रहेगा। तो और भी लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भैया लोकसभा चुनाव है और यहाँ का जो जायका है वो अपने आप में माहिर है, क्योंकि जो तो दाल वापले हो या फिर कचौरी समोसे हो उसके साथ ही जो चुनावी जायका चल रहा है उसको लेकर क्या है आप? देखो अपने यहाँ पे तो जो विकास करेगा सबसे मेन मुद्दा वो है विकास। अपने जो पार्टी कर रही है, आपको आपको सबको ही पता है जो कर रही है उसी को मतदान होगा। और यही है कि हर तरीके से हिंदू हित की जो बात करेगा और वही सब हो रहा है तो उसी पे रहेगा हमारा। तो अभी जैसे दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, एक पार्टी कह रही है कि हम 1,00,000 रुपये जवानों को देंगे। अब वो तो देखो चुनाव के पहले तो सभी लोग बोलते हैं, बाकी हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि कौन क्या कर रहा है, तो उस वजह से ही रहेगा। हमारा तो सपोर्ट बीजेपी को है तो उसमें रहेगा। देखिए जैसे कई लोग जो है उनका यही कहना है कि जिसने विकास किया है हमारा मत उनके साथ ही रहेगा। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ गर्मा गर्म जो है कचौरियाँ बन रही हैं और यहाँ पर जो है दिन भर इसी तरीके का जायका लेने के लिए उज्जैन वासी आते हैं। तो हम जो दुकान के जो जैन साहब हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, जैन साहब जिस तरीके से आप अपने तरीके से जायका लोगों को चखाते हैं तो चुनावी जायका क्या कहता है? चुनावी जायका तो अभी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, बेसिक मुद्दे विकास ही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है। आज की तारीख में विकास होगा तो वोट मिलेगा। समोसा चखे का जो जायका लेने आए हैं तो कैसा लगता है आपको? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है तो चुनाव में उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं जो जीत के आएंगे? सारी सीटें बीजेपी की आएगी, सब काम अच्छा कर रहे हैं, बार बार बोलेंगे ही बोलेंगे बीजेपी ही आएगी। देश के विकास को लेके वोट करेंगे, विकास हो रहा है देश का। सरकार तो बीजेपी जैसी होनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है आप? सरकार से अच्छी उम्मीद है, अच्छी चुनाव में आए मोदी सरकार। क्या बेसिक मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं अपना तो कुछ भी नहीं, अच्छा काम करा मोदी जी। लोगों का यही मन है कि जो विकास कार्य कर रहे हैं और जो विकास कार्य हो रहे हैं हम उन्हीं के साथ हमारा मत रहेगा और इसी को लेकर जो है जनता जो है अपना मत जो है आने वाली सरकार जो होगी उसको लेकर देगी। और उनका ये कहना है कि सरकार कोई भी बने पर विकास कार्य होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जो आप अपना मत का उपयोग करेंगे? आज केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है कि वास्तव में हिंदुस्तान एक तरक्की पर पहुंचा है और विकास के कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम सड़कें देखते हैं, आज के समय में सफाई व्यवस्था देखते हैं, आज के समय में हम बहुत सारी व्यवस्था देखते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल पेमेंट का भी अगर हम देखें तो सरकार ने जिस तरीके से लोगों को जागृत करा है निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। हम एक व्यापारी हैं, व्यापारी किसी भी दल का नहीं होता लेकिन विकास के साथ जरूर जुड़ा हुआ होता है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। भैया आप जैसे समोसे का जायका ले रहे हैं, एक चुनावी जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव कैसी सरकार आप चाहते हैं? बीजेपी सरकार। क्या बेसिक मुद्दे हैं? बेसिक मुद्दे क्या है? बेसिक मुद्दे में तो यही है कि हम लोगों का जनता का फायदा होगा, बेनिफिट अच्छे होंगे। और जो जनप्रतिनिधि कोई भी चुन के आए उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद है जनता का पूरा काम करे, सहयोग करे, अच्छा काम करे। देखिए जिस तरीके से और भी लोग आए हैं उनसे बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका भला। जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पे मौजूदा उनने कितने विकास कार्य किए हैं और अभी जो जीत के आएंगे उनसे क्या उम्मीद रहेंगे? हम तो सबसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके साथ रोजगार, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, मतलब मंगल ही मंगल होना चाहिए महाकाल की नगरी। तो देखिए जिस तरीके से महाकाल की नगरी में सब लोग, भैया आप बताइए लोकसभा चुनाव है सरकार की क्या उम्मीदें हैं, जनप्रतिनिधि की क्या उम्मीदें हैं? भाई अच्छा काम करना चाहिए और क्या, यही उम्मीद है। क्यों अच्छा काम करेंगे तो अगला चुनाव में फिर उनको साथ देंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे तो हम भी बदल लेंगे। लोगों का यही कहना है कि जो सरकार जो है मौजूदा वो विकास कार्य तो कर ही रही है पर जीत के कोई भी आए पर विकास कार्य पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए, वो विकास कार्य होते रहना चाहिए ताकि जो जनता है और जनता को रोजगार मिलते रहना चाहिए, ये इन सब की मांग है।
चुनावी जायका में हम जो है और भी लोगों से बात करेंगे। भैया आप बताइए, जैसे अभी जो लोकसभा चुनाव जी साहब, उज्जैन का जायका अपने आप में वहाँ है, क्योंकि जिस तरीके से अपना के दाल वापले की बात की जाए या फिर चाय फिर समोसे कचोरी किसी प्रकार का जायका हो, पर चुनावी जायका क्या कहता है साहब? हम तो गांव वाले हैं और हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आपके जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर मौजूदा, उनके द्वारा कितने विकास कार्य किए गए? बहुत हुआ, आप उदलाते आना कभी देखना, और कोई से भी गाँव में चले जाना आप देखना, बहुत काम। तो क्या लगता है आपको और क्या उम्मीदें हैं सरकार से और जो जनप्रतिनिधि है उनसे? सरकार से हम तो किसान लोग हैं, किसान को तो क्या है, सरकार मदद आर्थिक मदद कर दे, थोड़ा बहुत बीमा वगैरह दे दे, ये उम्मीद है हमको। तो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, उनसे क्या उम्मीद है? मांगे तो क्या, किसान के लिए तो उनकी मांगे पूरी होनी जरूरी है, किसान के जैसे बीमे वगैरह नहीं डालने, बीमे डलना जरूरी है, उनके पिछली बार क्यों डलने, अभी फसलें खराब हो गई है, गेहूँ की मात्रा अच्छी बैठनी थी वाली कम बैठी, हमारे तो किसान का, किसान के लिए। बाबूजी आप बताइए, लोकसभा चुनाव में उन लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं सरकार कैसी होनी है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार जो उम्मीद देश आजादी से थी वो अभी प्रारंभ हुई है 2014 से, और सनातन धर्म का जय जयकारा हो रहा है और मोदी जीतेंगे। आप बताइए जो बेसिक मुद्दे हैं, हाँ, उन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों को कैसे आप आपका मत देंगे और उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीदें तो उनसे पूरी पूरी है, क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं हैं इन लोगों को, और अपने इनकी अपेक्षाओं के अनुकूल अपने को भी जो है इनकी पूर्ति करना है। शौचालय स्वच्छता अभियान, ये 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना, ये सब दिवा स्वप्न थे भारत की जनता के जो इन्हें पूरे किए। ये जो आज हो रहा है भ्रष्टाचार का एकदम शून्य पे आता जा रहा है, और शांति पैदा हो गई, जो अशांति थी डर लगता था समाज के अंदर, लोग जो है भाई बहने शाम को निकलने में डरती थी, आज वो सब चीजें समाप्त हो गई है, भय मुक्त भारत हो रहा है और समृद्ध भारत हो रहा है, और ये हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे थे। भैया आप बताइए, लोकसभा चुनाव है, बेसिक जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या मुद्दे हैं, और उज्जैन का जो जायका है, आपका खुद का होटल है, तो क्या क्या प्रकार का जायका आप लोगों को खिलाते हैं और क्या जायका चुनाव का? मुख्य मुद्दा जो है वो है महाकालेश्वर, अव्यवस्था इतनी ज्यादा है वहाँ पर, बस जब से महाकाल लोग बना है तब से अव्यवस्था का बोलबाला है, उसका युक्तियुक्तकरण होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाए वो बेहतर होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं, शहर की सफाई स्वास्थ्य ये संबंधी चिंता पाली जाए तो ज्यादा हो जाएगा। पूरे भारत में चुनाव है तो कैसा आप चाहते हैं? जो हम लोग को गवर्नमेंट जॉब दे दे अच्छे वाले, वही सरकार चाहते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, और जो जनप्रतिनिधि कोई भी चुन के आए उनसे क्या उम्मीद है? अभी सबसे बड़ी बात है, हमारे पास विपक्षी नहीं है, ठीक है, तो अभी जो बनता है वह एक ही सरकार है, वही आएगी, मोदी सरकार ही आएगी जो कुछ भी कर लें, पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे, और सबसे बड़ा जो एक ये एक मुश्किल का दौर चल रहा है कि हमारे पास विपक्ष ही नहीं है, अगर हम अगर मोदी सरकार के अलावा विकल्प हमें चाहिए तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, तो सरकार तो मोदी की आएगी और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से काम हुए हैं, खामियां भी हुई हैं बहुत सारी, पर अगर आप काम को देखा जाए तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है, और हमें चाहिए कि एक मौका उनको और देना चाहिए। ये देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार के जो कार्य हैं उनकी सराहना भी कर रहे हैं, कुछ और भी हमारे साथ, भैया किस तरीके सरकार आप चाहते हैं? सर बीजेपी, क्योंकि सर जिस तरीके से हमने काम करे हैं पिछले 10 सालों में, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने पहले ऐसा काम करा होगा, और जिस तरह से यूथ चाहता है वो ये जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से देख रही है, और आप अभी बदलाव देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं अपने आप, क्यों हो रहा है वो उनका अलग, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उनको भी अच्छा लग रहा है कि हमारा देश जो है प्रोग्रेस करेगा, तो सिर्फ बीजेपी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में, अमित शाह जी के हाथों में, इसलिए जो बीजेपी का सरकार है पहले कभी सरकार हुई नहीं इसे काम करने में। तो अभी क्या लग रहा है आपको जो बीजेपी देखिए साफ तौर पर जो भी है वो एक ही विषय में बात कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार जो है अधिकतर चुनावी जायका में पूरी अभी बीजेपी का ही लहर चल रहा है, जो भी बाहर से यात्री आते हैं तब बीजेपी का ही लहर बता रहे हैं, यहाँ महाकाल की नगरी में
पूरे भारत से पूरे विश्व से लोग आते हैं और तभी जब मुँह से बाड़ी यही निकलती है तो फिर बीजेपी से चलता रहा है और अच्छा काम हो भारत में, तब तो ना यही है। आपने देखा है कि उज्जैन के जो जो जायका है और जायके के साथ में जो चुनावी जायका, हमने लोगों से बात की है और उनका मिला जुला जवाब मिला है, क्योंकि जिस तरीके से जो मौजूदा जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं या फिर जो मौजूदा सरकार है उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे काफ़ी लोग संतुष्ट नजर आए हैं, पर कुछ लोगों का मिला जुला मत भी मिला है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।